राष्ट्रीय गौ रक्षा दल ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें प्रशासन की गोवंशता पर प्रतिपूर्ति उदाहरण चिंता के संबंध में उन्होंने अवगत कराया कि शहर में घूम रहे गोवंश के गोपालकों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए तथा सड़कों पर कचरा खा रहे गोवंशों को रोका जाए। थानों द्वारा पकड़े गए गोवंश जिन गौशाला दिए जाते हैं उस समय पर उनकी गौशालाओं में जाकर उनकी जाँच की जाए जिससे पता चले कि गोवंश सुरक्षित है या नहीं। सरकारी गौशाला अति शीघ्र चालू की जाए। इन मांगों को लेकर दिनांक 16 मई से राष्ट्रीय गोरक्षक दल जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार के आदेशों पर भी गोवंश पशु की सुरक्षा और गौशाला में पशु को न रखने के विरोध में राष्ट्रीय गोरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामजी महाराज के नेतृत्व में दल के स्वामी श्यामजी महाराज, नगेंद्र कुमार, पंकज वाजपेयी, बलवीर सैनी, प्रीतम सिंह पासी, कपित शर्मा, मंजू शर्मा, ओमवीर सिंह, विकास शर्मा, चंद्रपाल सिंह, राजपाल सैनी आदि ने सांप्रदायिक भूख हड़ताल व धरना देकर निम्न मांगों को पूरा करने की बात की। आप यहाँ क्या मामला है? मामला यह है, पिछले एक साल में करीब 10 पत्र दिए गए नगर निगम में नगर आयुक्त महोदय को और जिलाधिकारी महोदय के आम ज्ञापन दिए गए गौवंश के संबंध में। गौ संरक्षण के संबंध में ये दिए गए कि साहब जो सड़कों पर गाय घूम रही हैं इनका कुछ किया जाए। इस संबंध में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने भी आदेश कर दिया नगर निगम गायों को रोकने, और इस संबंध में नगर निगम ने मुरादाबाद में एक गौशाला बना करके उसका उद्घाटन भी कर दिया नारियल फोड़। उस उद्घाटन में हमने भी एक नारियल फोड़ा, 6 महीना हो गए लेकिन आज तक उस गौशाला में एक भी गाय नहीं पाली गई, ये नहीं बता सकता वो रजिस्टर पर चल रहा है या बंद। उद्घाटन हो जाने का मतलब गौशाला चालू है ना, लेकिन वहाँ कोई गाय नहीं और सड़कों पर गाय घूम रही बेसहारा। गायों को रखने के लिए शासन का धन गौशाला निर्माण में लगा दिया गया लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। हम लोगों ने बार बार प्रयास करने के बाद नगर आयुक्त महोदय को मिलने को तैयार नहीं। नगर आयुक्त महोदय के पास इतना समय नहीं है कि वे जनता की बात सुने। महीने में 20 दिन तो वो छुट्टी है। जिला प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मंडल आयुक्त लखनऊ महोदय, मुरादाबाद महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सीधे आदेश होने के बाद भी नगर आयुक्त महोदय बिल्कुल ध्यान नहीं देते गौवंश की दुर्दशा। उनकी अपनी 23 गाय जो गौशाला में है उनका भी भोजन उन्होंने मार्च से नहीं किया। तो इस संबंध में अंत में परेशान होकर के जब सड़क पर गाय भूखी बैठी हैं तो हम भी रोटी खा के क्या करेंगे, हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर आकर के बैठे और अब जब तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा तब तक यहाँ बैठे। प्रशासन से आपने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन को हमने 12 तारीख को ज्ञापन दिया था, प्रशासन ने अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं। जिस तरह से देखा जाता है ज़्यादातर गाय जो है रामगंगा तट पर जो है वो मृत अवस्था में मिलती है, इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? रामगंगा तट पर मृत अवस्था में मिलती हैं और रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट होते हैं। इस संबंध में यही कहना चाहेंगे, ये जो जिला प्रशासन है इसकी जिम्मेदारी है, नगर निगम है इसकी जिम्मेदारी है, तो ये नहीं कोई बता रहा ये जिम्मेदारी महापौर की है या नगर आयुक्त की है या जिलाधिकारी की है। मैं सबके पास दौड़ दौड़ के गया, कोई वो जिलाधिकारी महोदय कहते हैं नगर निगम की जिम्मेदारी, नगर आयुक्त महोदय पर उनका कोई जोर नहीं क्योंकि वो महापौर के अंडर आते हैं। तो महापौर और नगर आयुक्त में भयंकर झगड़ा चल रहा है, आप जानते हो नगर आयुक्त महापौर की सुनता नहीं है। सत्ता पक्ष का महापौर होने के बाद भी नगर आयुक्त महापौर महोदय की नहीं सुनता और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार महापौर से लड़ने वाले नगर आयुक्त को मुरादाबाद में क्यों लादे हुए है? ये नगर आयुक्त जो एक महीने में 20 दिन छुट्टी पे रहता है उस नगर आयुक्त का ड्यूटी पर क्या काम? आज नगर आयुक्त महोदय को यहाँ होना चाहिए था, जवाब देना चाहिए, दिल पास होगी लेकिन नगर आयुक्त महोदय के आने के बाद।